भाई और बहन का रिश्ता बेहद करीब माना जाता है, लेकिन कई बार लोग इस करीब रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ जबलपुर के थाना आधारतला के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव में हुआ, जहां पर एक युवक ने अपनी ही बुआ की लड़की को शादी का झांसा देकर करीब 4 साल तक उसके संपर्क में रहा। जब नाबालिग गर्भवती हुई तो उसके दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चे को जन्म देने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपी भाई के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। कल कॉलेज अस्पताल से डॉक्टर आरती द्वारा सूचना दी गई कि एक नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है। सूचना रोजनामचा साना तस्दीक हेतु हमारा स्टाफ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर अपहर्ता बालिका नाबालिग लड़की के कथन लेख किए गए, जिसने अपने कथनों में बताई कि मेरे मामा का लड़का प्रेमलाल सयाम ने मुझे शादी का झांसा देकर लगातार 3-4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया और 7-8 माह से मैं गर्भवती हो गई थी। मैंने उसे कई बार बताया लेकिन वह नहीं माना, शादी करने के लिए टाल मटोल करता रहा। दिनांक 18/7/21 को मुझे सुबह अचानक पेट में दर्द हुआ तो वह मुझे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाकर इलाज हेतु भर्ती कराया, जहाँ पर मैंने शाम 4 बजे करीब बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद देहाती नालसी लेकर असल अपराध की कायमी की, आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जेआर पर न्यायालय पेश किया जाता है।